वेलकम टू स्टेप अप, आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 6 मई 2019। तो चलिए अपने डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हमारे पास ऐसे राइटिंग के लिए क्या है। जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आज हमारे पास है, अ लीडर और अ मैन ऑफ एक्शन इन अ क्राइसिस ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्ट्स सबकॉन्शियसली एंड देन थिंक्स ऑफ द रीजन फॉर हिज एक्शन। एक लीडर या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपना काम करने में बिलीव रखता है, जब भी वो किसी क्राइसिस की सिचुएशन में होता है तो वो अपने अंतर आत्मा को सुनता है और उसी के हिसाब से काम करता है। बाद में वो ये देखता है कि जो काम उसने किया वो सही था अथवा नहीं था। मतलब आपको कई बार सबकॉन्शियसली एक्ट करना पड़ता है, स्पेशली तब जब आपके पास इन डिसीजंस को लेने का या सोचने समझने का बहुत समय नहीं होता। कई बार आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर आपको तात्कालिक रूप में निर्णय लेना पड़ता है। अगर उस समय आपने जल्दी निर्णय नहीं लिया, सही समय पर अपना डिसीजन नहीं लिया, तो एक्चुअली में उस डिसीजन का कोई मतलब नहीं रह जाता। उस समय आप क्या करेंगे जब आपके पास सोचने समझने का, किसी से राय लेने का समय नहीं है? तो तब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। जवाहरलाल नेहरू के इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप अपनी समझ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐसे राइटिंग में और जीएस पेपर 4 में कर सकते हैं। आज हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस से हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्चुअली मुझे एक और आर्टिकल बनाना था बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट चला गया। समटाइम्स थिंग्स आर नॉट इन आर हैंड। फॉर्चुनेटली तब तक मैं 3 आर्टिकल्स बना चुका था तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है, क्योंकि मुझे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है तो कुछ दिनों तक द इंडियन एक्सप्रेस में अपलोड नहीं कर पाऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने कुछ और इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जैसे कि मैं कॉम्प्रिहेंशन अपलोड कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, तो वो लोग उस लेक्चर्स को अवेल कर सकते हैं। मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की है, प्रिलिम स्कोर इन्हेंसर सीरीज, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है जो हर साल क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। मैंने उसमें 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो दोनों लेक्चर्स इंडेक्स पर हैं जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स न्यूज़ में थे। जो आपका अगला लेक्चर होगा वो रिपोर्ट पर होगा, क्योंकि कई बार यूपीएससी रिपोर्ट पर भी क्वेश्चन पूछती है। और उसके बाद आई वुड ट्राई टू कवर नेशनल पार्क्स, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उन्हें चुनूंगा और मैं उन पर कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में काम आ जाए, जिनसे कुछ क्वेश्चंस टैकल होने की संभावना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैम ने 700 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को कवर करना स्टार्ट किया है। इफ़ यू फील बेनिफिट आप उसे अवेल कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि नोटिफिकेशंस नहीं जा रही हैं वीडियोज़ की, ऐसा कई बार वी आर गेटिंग इन मेल। तो ये पॉसिबली इस वजह से भी हो सकता है कि आपने बेल आइकन ना दबाया हो और आपको इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि कोई नई वीडियो अपडेट हो रही है क्या। तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं जिसके बाद आपको टाइमली अपडेट मिल जाती है, कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दैट कैन हेल्प। तो आप इस तरीके से उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ दिनों तक द इंडियन एक्सप्रेस बंद रहेगा। जो बाकी के इनिशिएटिव्स हैं मैं उन पर काम करने का प्रयास करूंगा, अगर वो संभव होगा तो मैं उन पर वीडियोज अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से आर्टिकल्स हैं। बिफोर दैट, फाउंडेशन बैचेस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। 10 जून से बैचेस अनाउंस्ड हैं, जैसा कि आपको पहले से भी बताया गया है। 780 आवर्स का पूरा कोर्स होता है आपका सिविल सर्विसेज का, लगभग 11 से 12 महीने का समय लगता है। अच्छी फैकल्टीज़ होती हैं, फैकल्टीज़ में कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास एक कोच होते हैं जो आपका टाइम मैनेजमेंट करवाते हैं, आपको गाइड करते हैं, टारगेट देकर स्टडी करवाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, डाउट्स को क्लियर करते हैं, आपका ओरल टेस्ट लेते हैं और आप कैसे अच्छी नोट्स बनाएं उस पर काम करते हैं। आपको पूरी तैयारी के दौरान मोटिवेटेड भी रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैसे जब आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो वो इस प्रोग्राम का, ये जो प्रोग्राम है पर्सनल गाइडेंस का, वो फाउंडेशन बैच का पार्ट होता है। बट इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को अलग से भी अवेल कर सकते हैं, सेपरेटली भी अवेल कर सकते हैं। ये सभी प्रोग्राम सजय मिश्रा सर के अंडर में चलते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन बीएससी और एमबीए है। एमबीए इन्होंने यूनाइटेड बिजनेस इंस्टीट्यूट बेल्जियम से किया है। 17 सालों का इनका एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज में। ये अपने समय में 2 बार 2004-2005 में सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। पिछले 12 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और 2012 में इन्होंने ही प्रोफेशनली स्टेप अप आईएएस को लॉन्च किया था। आप इन प्रोग्राम्स के बारे में अगर कोई भी और डिटेल चाहते हैं, कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच यू कैन सी बिलो इन योर स्लाइड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि काफी अच्छा आर्टिकल है, अमेरिका वर्सेज द रेस्ट। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाले सेक्शन से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बात क्या महत्वपूर्ण है इस आर्टिकल में। देखिए, इस बात से हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें आप अंकल सैम भी कह सकते हैं, उन्होंने दुनिया भर के लिए बहुत ही ऐसा अप्रोच तैयार कर रखा है जो ग्लोबल ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहा है। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं कि दुनिया का क्या होने वाला है अगर वो ये डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। तो
उन्हें चिंता है तो केवल एक बात की, कि उनकी खुद की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका प्रभाव बना रहे, ताकि 2020 में होने वाले इलेक्शंस में वो जीत हासिल करके एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन सके। वो इस बात की भी चिंता नहीं करते कि ऐसा करते वक्त पूरी दुनिया चाहे हेल में चली जाए, नरक में चली जाए, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी जीत हासिल हो, इसलिए वो उसके लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। अभी इन्होंने ऐसा ही एक कदम फिर उठाया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि ईरान से जिन 8 देशों को वेवर दिया गया था उसे हटा लिया जाएगा। 22 अप्रैल को माइक पोम्पियो, जो कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये कहा कि जिन 7 देशों प्लस ताइवान, ताइवान को कुछ देश एक अलग कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ देश नहीं करते हैं, तो ये जो 8 पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, इन्हें जो वेवर दिया गया था कि वो कुछ महीनों तक ईरान से तेल खरीद सकते हैं, उस वेवर को खत्म कर दिया गया है। बाकी देशों पर ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया था अंडर काट्सा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये जो वेवर दिया गया था बाकी के 8 देशों को, उसे 3 मई को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वेवर के खत्म होने के बाद इन सभी देशों को महज 2 हफ्तों के अंदर ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट को जीरो करना होगा। अब ये तो समझने वाली बात है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर पूरे ऑयल इंपोर्ट को ईरान से स्क्रैप करना, ये कितना आसान काम है, कितना मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो 8 पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, ये मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे कंबाइंडली ईरान से। टर्की की बात करें तो टर्की का जो टोटल गैस रिक्वायरमेंट है, उसका 15% ईरान से पूरा होता था एक पाइपलाइन के जरिए। ये भी क्लियर नहीं है कि अगर चाइना, टर्की या इंडिया यूएस के इस डिक्टेट को मानने से इनकार कर दें, तो यूएसए उन देशों के साथ क्या करेगा। कुछ भी हो, इन सभी बातों की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट टाइट हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद एक बात हो सकती है कि ये किस तरीके से इंडिया के ऑयल मार्केट को प्रभावित करेगा। राइटर ये कहते हैं कि उन्हें इस बात की कुछ खास चिंता नहीं है। आई न्यू का मतलब यहां मेरे जानने से नहीं, राइटर के जानने से है। राइटर कहते हैं कि वो ये जानते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा में अपना ऑयल का इंपोर्ट ईरान से कम कर लिया है, इसीलिए अगर इंडिया अपने इंपोर्ट को ईरान से जीरो कर भी देता है तो इससे कुछ खास बड़ा इकोनॉमिक डिसरप्शन क्रिएट नहीं होगा। अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया यूएसए के डिक्टेट को फॉलो करेगा या फिर ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को निभाएगा, एक फेयर वेदर फ्रेंड होने का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसे फॉलो करेगा कि हम आपके सुख दुख दोनों समय में साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि जब आपका अच्छा समय आता है तो हम आपके साथ होते हैं, बुरा समय होता है तो हम छोड़कर चले जाते हैं। दैट इज़ अप टू इंडिया कि इंडिया क्या करेगा। आफ्टर ऑल इंडिया और ईरान के रिलेशंस काफ़ी पुराने हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटजिक कल्चरल और ट्रेडिंग रिलेशंस इंडिया और ईरान के बीच में रहे हैं। लेकिन ये सभी बातें सब्सिडरी हैं, ये सभी बातें किनारे की हैं, सेंटर में तो कुछ और चल रहा है। सेंटर में एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट होने वाला है, कुछ ऐसा जो लगभग सबके दिमाग में बना हुआ है। यूएसए के इन कदमों का क्या प्रभाव पड़ेगा मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, वहां पर कितनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, यह भी पूछना सब्सिडरी ही होगा कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को काउंटर करने के लिए दुनिया भर के देश क्या कदम उठा सकते हैं, जिसका बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पूरे गल्फ रीजन पे पड़ने वाला है। अब ये निगेटिव कितना हो सकता है, आप कल्पना करने की कोशिश करिए, जस्ट इमेजिन। ऐसा होगा नहीं होगा, संभावना कितनी है नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं, जस्ट इमेजिन, कल्पना करिए। ईरान का मैप अपनी इमेजिनेशन में लेकर आइए, एट द सेम टाइम आपके सामने यूएसए का मैप भी होना चाहिए। अब ये समझिए कि जिस तरीके से यूएसए ईरान के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, अब आपको कल्पना करनी है, सब कुछ आपके सामने दिखना चाहिए, आपको आपके सामने ईरान का मैप होना चाहिए, आपके सामने यूएसए का मैप होना चाहिए। सपोज करिए कि यूएसए ने ईरान के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट सैंक्शंस इंपोज कर दिए, दुनिया भर के देशों ने ईरान से ऑयल का इंपोर्ट खत्म कर दिया। रिजल्ट ये निकला कि ईरान के लोगों ने प्रेसिडेंट हसन रूहानी के खिलाफ एक कूप डिटेट किया, हसन रूहानी की सरकार कोलैप्स कर गई। दोबारा सत्ता में वो सरकार आ गई जो बहुत लंबे समय से जेसी पोआ का विरोध कर रही है। जेसी पोआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काउंटर करने के लिए किया गया एक एग्रीमेंट था। ऐसा माना जा रहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है,
तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने +1, ये पूरा एक मैकेनिज्म था जिसके तहत जेसीपीओए को साइन किया गया था, जिसके बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप करने का वादा किया था और उसके एवज में यूएसए ने सैंक्शंस को हटा लिया था। लेकिन एक अपोजिट खेमा था जो जेसीपीओए यानी कि इस एग्रीमेंट का विरोध कर रहा था। अब वो दूसरा खेमा सत्ता में आ चुका है। वो खेमा जब सत्ता में आएगा तो वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू करेगा। जॉन बॉल्टन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो एक हार्ड लाइनर माने जाते हैं। उनको एक और मौका मिल जाएगा ईरान के ऊपर बॉम्ब गिराने का, जिसकी इच्छा वो पहले भी जाहिर कर चुके हैं। जॉन बॉल्टन से आपको कुछ याद आ रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बहुत ही ब्रूटल कैरेक्टर था रैमजे बॉल्टन, उसकी मौत भी बहुत ही बुरी हुई थी। खैर, जौहरी की नज़र हीरे पे। वट वी नीड जस्ट अ क्लू टू एक्सप्लेन थिंग्स इजिली, और मुझे एक क्लू मिल गया है। नाउ यू विल सी कि हाउ विल आई यूज इट, कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा। खैर, हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे थे जहां पर अगर वहां पर एक ऐसी सरकार आए जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिज्यूम कर दे, तो यूएसए के पास ईरान के ऊपर हमला करने का एक और बहाना होगा। ईरान भी मल्टीपल फ्रंट्स पे रिएक्ट करेगा। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है, जहां पर हर दिन 22 मिलियन बैरल ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो एंटी अमेरिकन सिया कंट्रीज हैं, वो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। वो चाइना का सपोर्ट भी गैदर करेंगे, ऑयल के प्राइसेस स्क्रैप कर जाएंगे, ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से हिट होगी। ये एक इमेजिनेशन है जो यूएसए कर रहा है, उसके ये परिणाम हो सकते हैं। आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर किया क्या जाए, यूएसए को कैसे काउंटर किया जाए। यूएसए एक बहुत बड़ा जाइंट है, एक ऐसी शक्तिशाली कंट्री, एक ऐसा शक्तिशाली देश जिसे काउंटर करना इतना आसान नहीं, लेकिन हर चीज का एक सेंटर पॉइंट होता है जहां पर हिट किया जा सकता है, जो उसका सोर्स ऑफ पावर होता है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जाम्पल अगर आप लें, यू कैन नॉट डिफीट द आर्मी ऑफ द डेथ्स, दे आर इन मिलियंस ऑफ द नंबर। जो डेथ्स की आर्मी है उनकी संख्या मिलियंस में है, उन्हें हराया नहीं जा सकता। लेकिन हराने का एक तरीका है, किल द व्हाइट वॉकर, क्योंकि वही उन लोगों को चैनलाइज करता है, वही उन लोगों को कंट्रोल करता है। दैट्स वॉट आर्या स्टार्क डिड। वो लोग जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स ना तो कभी देखा है, तो देखिएगा भी मत, स्पेशली तब तो बिल्कुल नहीं जब आपके एग्जाम्स अहेड हैं, देखने की आवश्यकता भी नहीं है। फॉर देम आई हैव अनदर स्टोरी। आपने बचपन में जब भी कोई कहानी पढ़ी, उसमें एक डेमन होता है या फिर एक चुड़ैल होती है, वो बहुत शक्तिशाली होता है अथवा होती है। उस डेमन को, उस दानव को मारना संभव नहीं है, लेकिन उस दानव की जान एक तोते में है। तोते की मुंडी मरोड़ी तो दानव गया। दैट्स वॉट वी नीड टू डू। हमें उस तोते की मुंडी को मरोड़ना है या फिर हमें व्हाइट वॉकर को मारना है, ताकि डेथ्स की आर्मी खत्म हो जाए, ताकि वो डेमन मर जाए। तो आखिर सेंटर पॉइंट यूएसए के लिए क्या है? यूएसए इकोनॉमिक लिवरेज रखता है पूरी दुनिया में, बिकॉज वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखता है। वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के एपी सेंटर में है। डॉलर आज रिजर्व करेंसी है। रिजर्व करेंसी एक ऐसी करेंसी को माना जाता है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर इकट्ठा करके रखते हैं, उसे रिजर्व करेंसी कहा जाता है। यूएसए की जो करेंसी है डॉलर, वो आज रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यूएसए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है और ये उसका सेंटर है। ग्लोबल जो ट्रेड होता है वो अधिकतर डॉलर्स में ही होता है, ऑयल के प्राइसेस डॉलर्स में ही पे किए जाते हैं, और यूएसए जो एक फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है जिसे आप स्विफ्ट कहते हैं, उसे भी कंट्रोल करता है, जिसकी आवश्यकता सबको पड़ती है। अगर आप जानना चाहें कि स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैसेज कन्वे करता है दो इकोनॉमिक बॉडीज के बीच में। ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कि इंफॉर्मेशन को बहुत ही सिक्योरिटी के साथ ट्रांसमिट करता है। यह फंड ट्रांसफर फैसिलिटेट नहीं करता। इंडिया के किसी बैंक को सिंगापुर के किसी बैंक में अगर फंड ट्रांसफर करना है, तो स्विफ्ट ये ट्रांसफर फैसिलिटेट नहीं करता, वो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है
कि हाँ इंडिया का ये बैंक आपके पास इतने पैसे भेज रहा है। ये एक सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज कैरियर का काम करता है। ये बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है, डाइल्यूशन के चांसेस नहीं है। अगर कोई बैंक ए है जो किसी बैंक को मैसेज भेज रहा है, तो वो इस बात से आश्वस्त होता है अगर वो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है तो, कि उसका मैसेज बी के अलावा कोई और नहीं पढ़ पाएगा। इन टर्न बी के पास जो मैसेज ए से आया है, अगर वो स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए आया है, तो बी भी आश्वस्त है कि ये मैसेज उसे ए ने ही भेजा है, किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं भेजा, और इन बिटवीन इस मैसेज को डिस्टॉर्ट नहीं किया गया, एल्टर नहीं किया गया और पढ़ा भी नहीं गया है। ये एक बहुत ही सेफ नेटवर्क है फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का। इसे भी यूएसए कंट्रोल करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि यूएसए को काउंटर किया जाए, तो सबसे पहले तो जो यूएसए की हेजिमनी है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, उसे काउंटर करना होगा, उसे तोड़ना होगा। बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कॉरपोरेट्स, अगर उसे उन्हें स्विफ्ट के इस प्लेटफॉर्म का सहारा ना मिले, तो उनके लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही होगा अगर 3 मई के बाद उन देशों ने, जिनको ये कहा गया है कि वो ईरान के साथ अपना ऑयल इंपोर्ट खत्म करेंगे, अगर उन्होंने खत्म नहीं किया, तो यूएसए इन सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेगा दबाव बनाने के लिए। फिर क्या किया जाए? हमें एक अल्टरनेटिव मैसेजिंग सिस्टम की आवश्यकता है, ताकि अगर स्विफ्ट की सर्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ना मिल पाए, तो वो इस अल्टरनेटिव सिस्टम का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकें। जो यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने जेसीपोआ को भी साइन किया था, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन सभी ने मिलकर एक ऐसा ही अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म तैयार भी किया है, जिसे इंस्टेक्स कहा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। अगर इसे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, तो स्विफ्ट के इस्तेमाल को रोकने का खतरा कम हो जाएगा। अगर हम बार्टर सिस्टम में ट्रेड कर पाए, तो भी हम यूएसए की जो डॉलर की हेजिमनी है उसे कम कर पाएंगे, या किसी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर पाए, किसी अल्टरनेटिव करेंसी का इस्तेमाल कर पाए। कीन्स भी नहीं चाहते थे कि डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए। वो चाहते थे कि आईएमएफ की जो करेंसी है, या किसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम तो डेफिनेटली एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हम यूएसए की इकोनॉमिक हेजिमनी को डायल्यूट कर पाए, खत्म कर पाए, तो निश्चित तौर पर यूएसए के ऊपर दबाव बनाया जा सकेगा कि वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट ना करें। कंक्लूजन में यह कहा गया है, निश्चित तौर पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। द लार्जर पॉइंट इज दैट द रेस्ट मस्ट फाइंड वेज ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन डॉलर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। सिर्फ इतना करने से तो होगा नहीं, यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री है, तो उसके लिए कई तरीके के फोर्सेस का इस्तेमाल करना होगा दबाव बनाने के लिए। फिर भी एक तरीका ये हो सकता है कि हम नॉन डॉलर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करें, ताकि अमेरिका बाकी देशों को गीदड़ भभकी ना दे सके, क्योंकि ऐसा करके ट्रंप पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी सिचुएशन में लेकर जा रहे हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और इसके कंसिक्वेंसेस हर देश के लिए बहुत ही सीवियर होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर डिस्कस किया। एक क्वेश्चन मीन्स के लिए है, डू यू थिंक डाइल्यूशन इन अमेरिकाज पोजीशन एट द एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी अ स्ट्रेटजी टू काउंटर इट्स एडवर्स स्टेप्स दैट आर लीडिंग वर्ल्ड ऑर्डर इनटू डिसरप्टिव सिचुएशन। कमेंट करना है आपको 200 शब्दों में। देखेंगे अगला आर्टिकल, लिसन टू योर ओन पेपर 200 टॉप को जोड़ सकते हैं आप जुडिशरी वाले सेक्शन से। आइए बात करते हैं। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहा है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के पर्सपेक्टिव से, जहां पर एक एक्स एम्प्लॉई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को चार्ज किया है। एपेक्स कोर्ट ने इस कंसर्न को सीरियसली लिया, उन्होंने 3 मेंबर पैनल का निर्माण किया ताकि इस पूरे मुद्दे को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। लेकिन जिन्होंने ये केस दर्ज किया था, जब वो इस पैनल के साथ प्रोब को फेस करके बाहर आई, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये कमेटी उन्हें न्याय दे पाएगी। उसका कारण क्या था वो हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अभी हाल ही में एक और सीनियर जज एपेक्स कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने यह कहा है कि हायर जुडिशरी को अच्छी तरीके से इस मुद्दे को डील करना चाहिए और एक्स पार्टे प्रोब नहीं हो सकता, क्योंकि उन महिला ने प्रोब में आने से इनकार कर दिया है, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि जो मैकेनिज्म चल रहा है वो सही है। तो जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि उन महिला की अनुपस्थिति में केस नहीं चलाया जा सकता। द कमेटी, द एपेक्स कोर्ट इटसेल्फ शुड डू वेल टू पे हीड। इस कमेटी को भी, एपेक्स कोर्ट को भी इस मुद्दे को संज्ञान में लेना होगा। जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा उसे भी संज्ञान में लेना होगा, नहीं तो फिर जो हमारे एपेक्स कोर्ट की क्रेडिबिलिटी है वो फर्दर डैमेज होगी। अपने प्रेस स्टेटमेंट पे, जब वो प्रेस
रिपोर्टर्स से बात कर रही थी उस प्रोब को डील करने के बाद जिस महिला ने इस कंप्लेंट को दर्ज किया है, उन्होंने ये बोला कि आखिर ये पैनल किस प्रोसीजर पे काम कर रहा है उसे नहीं बताया गया है। कोई ड्यू प्रोसीजर नहीं है जिस पर ये पैनल काम कर रहा हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने मांग की थी कि उनके साथ उनका वकील भी रहे, लेकिन उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया। वो कह रही थी ये काफ़ी इंटिमिडेटेड था, वो काफ़ी नर्वस थी। तीन ऑनरेबल जजेस के सामने जब वो प्रेजेंट थी सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास ना तो कोई लॉयर था और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको सपोर्ट कर सकता हो। कमेटी ने उनके लॉयर की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया था और प्रोब को एक्स पार्टे चलाने का ये कह दिया था कि अगर वो नहीं आती हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ही केस को कंडक्ट किया जाएगा। कंप्लेंट जिन्होंने दर्ज की है उन्होंने ये कहा कि उनकी लॉयर की रिक्वेस्ट को डिनाई करके जो पैनल है उन्होंने इस केस की सेंसिटिविटी को ध्यान में नहीं रखा है। देखिए, पैनल को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो कंप्लेंट है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की है और एक सिटिंग सीजीआई के खिलाफ है। इसीलिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जो कि फेयर हो, वहां पर हायर अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस को सही तरीके से डील किया जाए, इक्वलिटी के साथ डील किया जाए। हायर अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं? जिन महिला ने इस केस को चार्ज किया है, दर्ज किया है, वो एक एक्स एम्प्लॉई है और केस इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ है, तो ये बहुत ही अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस हैं। यहां पर एक इक्वल स्टांस क्रिएट करना होगा, तभी फेयर जस्टिस हो पाएगा, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। देखिए, वैसे तो जो विक्टिम के एलिगेशंस हैं कि प्रोसीजर क्लियर नहीं है, ये काम भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पैनल को जो टास्क दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो इन प्रोसीजर है उसमें सीजीआई के खिलाफ किसी चार्ज के संबंध में कोई प्रोसीजर बताया नहीं गया है, तो इस पैनल के लिए काम थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन उन्हें यह करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के कई सारे वर्डिक्ट्स में वर्किंग वुमेन के अधिकारों को एडवोकेट किया है, तो कमेटी को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस बात को संज्ञान में लिया और उनकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि या तो ये जो कमेटी है, जो पैनल है जो इस पूरे केस को देख रहा है, वो उन महिला को उनका वकील रखने की अनुमति दें, या फिर उनके लिए एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट करें। एमिकस क्यूरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी विक्टिम के फेवर में खड़ा होता है, उनको एडवाइस करता है उन्हें क्या करना चाहिए, कि या तो वो वकील दें या फिर एक एमिकस क्यूरी उनके लिए अपॉइंट कर दें। इन शब्दों को याद रखिए, लेकिन आप इन शब्दों का जब भी इस्तेमाल करें, एक्स पार्टे प्रोब, एमिकस क्यूरी, तो आप इनका मतलब जरूर एक्सप्लेन कर दें अपने आंसर्स में या अपने ऐसे में। टर्म्स को ध्यान में रखिए, इनका मतलब भी इस्तेमाल करें। वही बात है कि जौहरी की नज़र हीरे पर होनी चाहिए, और आपके लिए जो हीरा है वो ये टर्म्स हैं, ये वॉकअप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला आर्टिकल, स्टेलमेट इन काबुल। पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, अफगान लोया जिरगा। ये तालिबान को कन्विंस करने में फेल हो गए कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें। तालिबान ने ईद के समय सीज फायर को मेंटेन करने की जो रिक्वेस्ट थी अफगान लोया जिरगा की, उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अब अगर मैं अफगान लोया जिरगा के बारे में बताए बिना आगे बढ़ जाऊं, दैट वुड बी इनजस्टिस। अफगान लोया जिरगा क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। लोया जिरगा ये अफगानिस्तान की एक पुरानी परंपरा है, जिसमें ट्राइबल हेड्स, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और जो सम्मानित लोग होते हैं, उनका एक समूह तैयार किया जाता है, आप उसे ग्रैंड असेंबली भी कह सकते हैं। उन्हें कुछ पार्टिकुलर काम सौंप दिए जाते हैं, जैसे कि अगर अचानक से हेड ऑफ स्टेट की मौत हो जाए तो अगला हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, वॉर लाइक सिचुएशन है तो कैसे डील किया जाए, पीस को कैसे मेंटेन किया जाए। ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, ये कुछ लोगों का समूह है जिसे समय समय पर तैयार किया जाता है पार्टिकुलर इश्यूज को डील करने के। सो दैट अभी हाल ही में ऐसा ही एक लोया जिरगा तैयार किया गया था, एक ग्रैंड असेंबली तैयार की गई थी जिसमें हर ट्राइबल ग्रुप के लीडर्स थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जिनको ये काम दिया गया कि वो अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके साथ बातचीत करें और कोशिश करें कि ईद के समय पर सीज फायर डिक्लेयर करवाया जाए, पीस की बात की जाए। ये काम लोया जिरगा को दिया गया था, हालांकि उनकी इस रिक्वेस्ट को तालिबान ने डिक्लाइन कर दिया। अफगानिस्तान में इतिहास में कई बार लोया जिरगा क्रिएट किए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कब कब और किस काम से लोया जिरगा बनाया गया है अफगानिस्तान के पास्ट में, तो आप विकीपीडिया कर सकते हैं। लेकिन आप क्यों देखेंगे, लोया जिरगा के इतिहास को जान के आपको उसे अपने जिगर में बसाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपके काम की चीज नहीं है। तो जितना मैंने आपको बताया है बस आप इतना ही जान लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। तो देखिए, ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि अमेरिका का जो ऑप्टिमिज्म है कि बहुत जल्दी वो तालिबान के साथ पीस मेंटेन कर लेंगे, वो होने वाला नहीं है।
लोया जिरगा एक्चुअली में आप एक एक ऐसी पंचायत की तरह आप इसको देख सकते हैं। जब गांव में दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो गांव के कुछ सम्मानित लोगों को बुला लिया जाता है, बुजुर्ग लोगों को बुला लिया जाता है, प्रभावी लोगों को बुला लिया जाता है जिनकी बातें सुनी जाती हैं, ताकि एक एग्रीमेंट बनाया जा सके। तो बिल्कुल वैसे ही एक ग्रुप के रूप में आप लोया जिरगा को भी समझ सकते हैं। इस ग्रैंड काउंसिल में 3200 अफगान्स थे, ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है। इतना बड़ा लोया जिरगा बनाने की क्या आवश्यकता थी, 3200 लोग? ऐसा किया तो इसीलिए गया था कि ताकि हर हिस्से को इस लोया जिरगा में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, बट इट वॉज फेल्ड। इन बिटवीन यूएसए ने भी इस लोया जिरगा को अंडरस्टिमेट किया। उन्होंने उसी सप्ताह में अपनी एक मीटिंग रख दी तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए। तालिबान ने साफ कह दिया कि वो लोया जिरगा के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि यूएसए की ट्रूप्स या जो अदर देशों की ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से बाहर नहीं चले जाते। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि यूएसए के ट्रूप्स अगर बाहर चले जाएंगे अफगानिस्तान से, उसके बाद भी वो उस सरकार के साथ बात करेंगे जो अभी अफगानिस्तान में है। तो तालिबान ने कहा सभी अफगान से कि वो लोया जिरगा को बाइकॉट करें। घनी के जो पॉलिटिकल राइवल हैं, इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घनी ने इस लोया जिरगा को इसलिए तैयार किया है क्योंकि 28 सितंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, तो अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। घनी लाइंड द ट्रूथ कॉल टू द तालिबान विद अ स्वीटनर। घनी ने जब ये लोया जिरगा बनाया, बातचीत की शुरुआत की, तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव कदम भी उठाए। उन्होंने 175 तालिबान प्रिजनर्स को छोड़ दिया ताकि तालिबान बातचीत करने को तैयार हो जाए, हालांकि वो तैयार नहीं हुए। तालिबान ने पिछले साल 3 दिन का सीज फायर एक्सेप्ट किया था ईद के समय पर, लेकिन इस बार वो ऐसा बिल्कुल करने की इच्छा नहीं रखते हैं। यूएस ने भी अपना पूरा डिसइंटरेस्ट दिखा दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने उसी सप्ताह में तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए एक मीटिंग आयोजित कर दी। यूएस के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं जालमी खलीलजाद, उन्होंने 4 बातों पर जोर दिया कि तालिबान से जब बातचीत की जा रही है तो किन 4 बातों पर फोकस किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि एक टाइम टेबल तैयार कर लिया जाए कि यूएस की ट्रूप्स अफगानिस्तान के बाहर कब जाएंगी, ये पहली बात है। दूसरी बात कि इस बात की गारंटी तालिबान देगा कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी अन्य देश के ऊपर हमले करने के लिए नहीं होने देगा। तीसरी बात कि तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच में बातचीत करवाई जाए। और चौथी बात कि एक सीज फायर डिक्लेयर किया जाए। इन 4 मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, ऐसा यूएस के एनवॉय ने बताया। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि घनी की जो लेजिटिमेसी है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, जैसे जैसे यूएस तालिबान अपने एंगेजमेंट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ये दोनों ही जो एंटिटीज़ हैं, ये ईरान और इंडिया को पोटेंशियल ट्रबल मेकर के रूप में देखते हैं अफगानिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया ने तो अभी वही स्टैंड ले रखा है कि जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट बोलेगी, स्टैंड लेगी, वही हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन फिर भी इंडिया अभी भी डिलेम्मा में है कि पोस्ट यूएस अफगानिस्तान को कैसे डील किया जाए। ये पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर डील किया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है कि आपने कभी भी क्लासिकल हिंदी राइटर का कोई प्ले या कोई स्टोरी पढ़ी है? किसकी पढ़ी है और कौन सी पढ़ी है? आप बताना चाहें तो नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।